डिलीवरेंस हो रही है तेरी, तेरी डिलीवरेंस हो रही है। यस यस ओ रे बे शिखर। अगर आप चाहते हैं बड़े बड़े मौजों को अपनी जिंदगी में देखना तो परमेश्वर की महिमा करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को अपनी जुबान को केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आमेन। आराधना में, स्तुति में। आमेन। और कहें परमेश्वर हमें, परमेश्वर अपनी भारी मस्से से छू लीजिए। यस लॉर्ड। सामर्थ्य से छू लीजिए। यस लॉर्ड। ओ रबा शिखा रबा रबा, ओ रबा 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 शिखे रखे, ओ रबा। मसीह यीशु के नाम में क्या हुआ आपको? यीशु के जीवित नाम मेरी और देखो, मसीह यीशु के नाम दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य, अंधकार चल 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 निकल इस बॉडी से, यीशु के नाम में अंधकार की ताकत, यीशु के जीवित नाम में ब्लड, यीशु के नाम में। यस 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 यीशु के जीवित नाम में पावर लॉर्ड। गो 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 अंधकार इस जीवन से बाहर आ जाए। यीशु के इस जीवन से निकल जा। मैं तेरी सारी शक्तियों को तोड़ूं, तेरे अधिकार को तोड़ूं, पावर लॉर्ड यीशु के नाम में ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। स्वामी आप इनके लिए मरे हैं, आपने अपने लहू को बहाया है, आपने जान दी है। ब्लड ऑफ जीसस यीशु के नाम में। खुद भी पढ़ते हैं बाइबल, खुद पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, जैसी मर्जी कंडीशन हो ऐसे गिर के घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं बहुत ज्यादा। आपके सरमन सुनते हैं बार बार, जितना ज्यादा इनको सरमन सुनाओगे उतनी जल्दी दी डिलीवरेंस होगी। क्योंकि ध्यान से सुना, शैतान अंदर से जाता है तो वहाँ खाली जगह नहीं छोड़नी, वहाँ उस जगह को भरना है और वो वचन से भरना है। पेट से ही है बस इनको ज्यादा। हाँ, पेट में ऐसे फील होता है जैसे कोई बच्चा है और इनके पैर भी पत्थर की तरह सूजे हुए। सब खत्म। आप देखना अभी थोड़े टाइम के बाद देखना, मैं कहता हूँ आप कितने रोते हुए बता रहे थे पिछली बार और अभी अभी फर्क है, आप में भी फर्क, उनमें भी फर्क। बिल्कुल। आने वाला जो दिन है उसमें आप हंसते हुए कहेंगे मेरी माँ चंगी होगी। आमीन। 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 आपके पड़ोसी कहेंगे कहाँ से इलाज करवाया, फिर आप पड़ोसियों को लेकर आओगे, फिर देखना आप पड़ोसियों में दुष्टात्मा खेल रही होगी, आपकी माँ हंस रही होगी कि मुझ में भी कभी ऐसा था। ये जब आया यहाँ पर फोटो खींचने के लिए तो इसकी मम्मा भी यहाँ है, तो इनकी मम्मी के अंदर जिन था, बीस साल से जिन था, इनको 1% नहीं लगता था कि वो आजाद हो जाए। ठीक है, इनकी बहनें रोने लगी, ये भी है, इसकी भी आंखों में पानी आया, इतना खतरनाक था। इनकी वीडियो शेयर करना इनको, इनकी मम्मी की वीडियो आप देखना जरा, और अब देखना जमीन आसमान का फर्क है।
बस याद रखना, मैंने पहले भी बोला था ये जगह आपके लिए फर्स्ट लास्ट और मतलब दुष्ट आत्मा का भी वक्त जो है लास्ट है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चीज बोलना चाहूंगी। हाँ जी, एक पास्टर थे, उन्होंने हमें बोला था, जैसे मैंने भी अपना कभी बनवाया है, मैंने अभी आपसे प्रेयर नहीं करवाई है। जी जी, मतलब मेरा तो ये है, सॉरी, तो मैं अभी मम्मी के लिए प्रेयर के लिए आई हूँ, अपने लिए मैंने करवाई नहीं। जी, एक पास्टर जी से हमने प्रार्थना करी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने जब हमने प्रेयर करवाई तो वो बोल रहे थे भी तुम दोनों को ना बांधा हुआ है, मतलब उस टाइम मैं भी बहुत खेल रही थी। जी, तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम दोनों ना अलग अलग रहा करो, मतलब मुझे और टेंशन में डाल दिया था। तो ये क्या चक्कर है, मेरे को समझ नहीं आया। इकट्ठे रहो, यीशु मसीह अलग करने नहीं आया, जोड़ने आया। ठीक है, उन्होंने क्यों बोला, हो सकता उन्होंने बाइबल में ये आयत ना पढ़ी हो। कई बार हम पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, कई बार कुछ आयतें नहीं पढ़ पाते। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, वो जो भी हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, सबसे बड़ा इस दुनिया में यीशु मसीह। मैं भी उसके सामने कुछ भी नहीं, छोटा सा हूँ। तो जितना हम बाइबल पढ़ेंगे उतना ही समझा पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बोलना, एक माँ बेटी कहाँ अलग अलग रहेंगे, अब अलग कमरा थोड़ा देंगे आप, एक ही जगह रहेंगे ना। अब मैं ये कहता हूँ आप इकट्ठे कर जाई में भी सो जाएंगे तो भी यीशु मसीह आप दोनों को डिलीवरेंस दे सकते हैं। आमीन। तो भी यीशु मसीह छुटकारा दे सकते हैं। आमीन। याद रखना, जब हम इस तरीके की बातें बोलते तो इससे समझ जाओ वो बुद्धि है ना। तो पर ये सच है कि आप दोनों पे दुष्ट आत्मा, लेकिन वो सच नहीं है कि आप अलग अलग रहें। हाँ जी, मैं आप इकट्ठे रहें और इकट्ठों को आप यीशु मसीह आपको छुटकारा दे। आमीन। और डन है। और एक बात और ध्यान से सुना, पिछली बार जब आप रो रहे थे मुझे पता था कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा, आप रोते हुए बता रहे थे सारा जी, जी। उस दिन आपके अंदर से 50% दुष्ट आत्मा निकल गई। आमीन। सिर्फ 50 है। अपोस्टल जी, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी थर्सडे को, तो मेरे को मतलब नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम है, मैंने लिखवाया भी इसमें, मैंने अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स लिखवाई है, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कुछ भी जी, क्योंकि जी। मैं मम्मा के लिए प्रार्थना करवा रही हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम थर्सडे को यहाँ पे आई थी तो मुझे अपने घर में मतलब डरावना माहौल हो गया, जैसे मेरे मम्मी बीमार हैं तो मतलब अपने घर से ही डर लगने लगा। अब ये हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि घर को छोड़ के जाएंगे, पर जब मैं वीरवार को यहाँ से गई तो मेरे घर का माहौल मुझे बिल्कुल चेंज लगा। आमीन। हालेलुया। और मुझे बिल्कुल अब मतलब नींद आने लगी, अपने आप से नींद आती है मेरे को। अच्छा। हाँ जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ज्यादा मत सोना क्योंकि प्रार्थना नहीं, मैं प्रार्थना करके ही सोती हूँ। अब ध्यान से सुनो, आपके सारे मैं सुनती रहती हूँ। एक बात बोलूंगा मैं जी, अपोस्टल जी, आपकी बॉडी में एलर्जी है बहुत ज्यादा है। हाँ जी, सब कहाँ कहाँ है? मैं गोलियां खाती हूँ, नशे की गोलियां, दो दो दिन तक मैं ऐसे नशे में रहती हूँ। मेरा 2 साल का बेबी है, उसको भी प्रॉब्लम होती आज है। मैं यीशु का सेवक होने के नाते बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आज के बाद घर को बेचने वाले ग्राहक ढूंढना बंद कीजिए। ठीक है, उसी घर में रहेंगे और मैं उसी घर में आऊंगा, मैं उसी घर में आऊंगा और उसी घर में खाना खाऊंगा। आमीन। रे बेशक है रे बस यीशु के नाम में, खुदा बाप मैं तेरा दास होने के नाते आज इन शब्दों को इनके घर में ठहर जाने के लिए प्रार्थना। आमीन। और यीशु के नाम में परमेश्वर ये अपने उसी घर में रहे, उसी घर को और रेनोवेट करने पाए, उसी घर को और अच्छा बनाने पाए, और उसी घर के अंदर यीशु के स्वर्गदूत दिखाई देने पाए, बस यीशु के जीवन। ध्यान से सुनना, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा और राबा प्रभु कहता है तू बहुत अच्छी प्रचारक होगी। यीशु मसीह कह रहा है तू बहुत अच्छा प्रचार किया करेगी आने वाले समय में। रे बेशिख है, रे कहती डिलीवरेंस हो रही है तेरी, तेरी डिलीवरेंस हो रही है। यस यस, ओ रे बेशिख है, यीशु के नाम में शिख है। आज 50% जो रह गया था वो खत्म हो गया। रे बेशिख है, रे कहती चला देता। आमीन। रेबे रेबे शिखे रेखे, तेरी एनर्जी भी जा रही है। आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में,
ब्लड ऑफ जीसस। शैतान, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, यीशु इसके लिए मरा है, यीशु ने इसके लिए जान दी है, यीशु ने इसके आत्मा को अपने लहू से खरीदा है। आमीन। रे बे शिखे रे, यीशु के नाम में ब्लड ऑफ जीसस। यस 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 यस, यीशु के नाम में शिखे रे। बस यीशु के नाम में, बस यीशु के नाम में, क्या नाम है तेरा? ओ रे बेशी के रे, तेरे ऊपर से असर टूटते जा रहे हैं शैतान। आमीन। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, फायर 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 फायर, यीशु के नाम, यीशु के नाम। Yes, 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 Lord. Shanghai, I released power. I released power. यीशु के नाम, यीशु के नाम, टच लॉर्ड, टच, रेखेते नेखेते, यीशु के नाम, यीशु के नाम, ओ रबा रबा शिखा लबुरा, स्वाबे खुदा बाप, मैं सारी महिमा आपको देता हूं। ओह यस लॉर्ड, स्वामी मैं चंगा नहीं करता। यस लॉर्ड, आप चंगा करते हैं। हाँ परमेश्वर, सारी महिमा। यस लॉर्ड, आमेन। स्वामी दुष्ट आत्माएं केवल आपके नाम से कंट्रोल में। यस लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद इन आत्माओं पर तरस खाने। यस फादर, धन्यवाद इन आत्माओं को आजाद करने के लिए। आमेन, आमेन। धन्यवाद इन आत्माओं को अपना बनाने के। ओह यस लॉर्ड, यीशु के नाम धन्यवाद। यीशु राज, मैं देख रहा हूं यीशु यही खड़ा है। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु कह रहे हैं इनको, कह आत्मिक हो जाओ। आमीन। शैतान उन सब को मारने पर है जो आत्मिक नहीं है, लेकिन जो आत्मिक हो जाते हैं वे बचाव को देखें, आमेन, वे सुरक्षा को देखें। आमेन। ओ रबा शिखा, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद राजा। रबा शिखा ना बोलो, ओ रबा शिखा, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मैं सारी महिमा आपके नाम को दूं। प्रभु विनोद प्रोचिया ऊंचा ना हो,
आपका नाम ऊंचा होने, आपके नाम को महिमा मिलने पाए। आमेन। तेरा नाम ऊंचा। यस लॉर्ड आमेन। तेरा नाम ऊंचा। आमेन। खुदा बाप तेरा नाम ऊंचा। आमेन।